एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा आम आदमी पार्टी प्रभारी सुशील गुप्ता के बयान पर सियासत गर्मा गई है। सुशील गुप्ता ने कहा है कि हरियाणा में आपकी सरकार बनने पर एसवाईएल का पानी लाया जाएगा। गुप्ता के इसी बयान पर बीजेपी समेत पंजाब के राजनीतिक दलों ने आम आदमी पार्टी से इस पर स्टैंड क्लियर करने को कहा है। चंडीगढ़ में बीजेपी महासचिव सुभाष शर्मा ने सुशील गुप्ता के बयान पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या सुशील गुप्ता ने हरियाणा को एसवाईएल के पानी की गारंटी देने से पहले अरविंद केजरीवाल को भरोसे में ले लिया है। वहीं अकाली दल के पंजाब सीएम भगवंत मान से अपना रुख स्पष्ट करने की बात कही तो पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि एसवाईएल के पानी की एक भी बूंद पंजाब से बाहर जाने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी लीडर और हरियाणा के प्रभारी राज्यसभा मैंबर सुशील गुप्ता जी ने जो बयान दिता है एसवाईएल को लैके कि पंजाब साड़ी सरकार बन गई है और हरियाणा के लोगों ने गरंटी दी है कि हरियाणा सरकार बनने तो बाद असी एसवाईएल का पानी हरियाणे लैके आवेंगे और हर घर तक पानी पहुँचेगा। मैं समझना यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मैं भगवंत मान साहब को पूछना चाहना है कि क्या अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने लीडर ने यह गरंटी देने तो पहला तो कॉन्फिडेंस लिया सी? क्योंकि हरियाणा जो तुम गरंटी दे रहे हो तो मतलब कोई ना कोई गलत हुई होगी, जो नहीं हुई तो जरूर चौकस रहो। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को भी पूछना और जिन्हें साडे राज्यसभा के मैंबर ने उन्होंने भी पूछना कि उन्होंने जी इस गरंटी हरियाणा को दी गई है एसवीएल की ये की स्टैंड है। असं पहले कहा कि केजरीवाल ने पंजाब के नाल ठगी मार ली और उस ठगी की उस गदारी की जी शुरुआत है वो शुरू हो गई कि अज हरियाणा के एसवीएल जी है वो शुरू करने के ऐलान होने लग गए। पहला दिल्ली के एफीडेविट साढ़े खिलाफ केजरीवाल फाइल कर चुके। मैं उन्होंने कहना चाहना कि यह पंजाब के हकों के उत्ते बहुत वड्डा डाका और किसी भी हालत के अंटे मनसूबे जोड़े है इन्होंने सिरे नहीं चढ़ने। पंजाब के पानिया उत्ते पंजाब का हक है, एक भी बूंद पंजाब के पानी की किसी भी सूबे नहीं जान देंगे। जिहड़ी भी कुरबानी करनी पई पंजाब लई कुरबानी करांगे, अपनी जान कुरबान कर देंगे। एक भी बूंद पानी की पंजाब के पानी की बाहर सूबे नहीं जाऊगी। मैं हैरान हाँ कि जिहड़े लोग सानू सवाल पूछ रहे हैं कि यह सारा मुद्दा उन्हां दीआं सरकारां समें खड़ा होया। जदों पंजाब विच इन्हां लोकां दी सरकार हुंदी सीगी उदों सारे मुद्दे खड़े होए, उदों इह मुद्दे पैदा कीते गए। अज उन्हां मुद्दिआं ते सियासत कर रहे ने लोग। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पंजाब सरकार एक भी बूंद पानी की बाहर नहीं जान देगी। ये कोई भी लड़ाई लड़नी पई असीं डट के लड़ांगे। जदों 1 अप्रैल नूं इन्हां ने सैशन बुलाया, मैं उदों ही गल कही सी कि कृपा करके मैं दिन से जरूर भेज दें इन्हें संगीन मसले से। तरीक भी तुसीं 1 अप्रैल चुन ली। चल उधर मैं बोलते गल कही सी कि भाखड़ा ब्यास ते चंडीगढ़ ते जिहड़ा सेंटर कर रहे ये बेसिकली टेस्टिंग, दे आर टेस्टिंग वाटर्स ऑफ एसपीएस। वो गल सच्ची होनी शुरू होगी। आ जिहड़े गुप्ता साहब का बयान है सुशील गुप्ता तो पहली जो ऑलरेडी दिल्ली बाहर आ चुकी ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ।